सम्मानित साथियों, कुछ ही क्षणों में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद माननीय जयंत चौधरी जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को पता देना चाहता हूं कि आज जो व्यवस्था इस देश और प्रदेश में चल रही है, जो गुंडा राज इस प्रदेश में चल रहा है, इस देश में चल रहा है, अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला है तो वो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी है। चाहे हाथरस में एक दलित बच्ची के उत्पीड़न का मामला हो, इस तानाशाह सरकार ने जयंत चौधरी पर लाठियां भाजने का काम किया। आज कोई भी किसान का मुद्दा हो, गरीब का मुद्दा हो, अल्पसंख्यकों का मुद्दा हो और उन खिलाड़ियों का मुद्दा हो, तो अगर सबसे पहले उनके साथ में कोई खड़ा है तो वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी करेंगे। मेरे दुर्भाग्य और मेरे शर्म की बात है और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, जिन्होंने पूरे विश्व में हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा किया और गोल्ड मेडल लेकर आए, और आज उनको उनको लाठियों से मारा जा रहा, उनको चौकी थानों में बंद किया जा रहा। मैं कह रहा हूं तुम मरो, लालच है ऐसी राजनीति करने से। अरे तुम्हारा जमीन मर गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आज क्यों उनकी आस मच गई। वो ब्रजभूषण सिंह जिनके ऊपर कई महीनों से वहां बच्चियां जो आरोप लगा रही है, अब सुनने वाला कहने सुनने वाला आज कोई नहीं है। आज हमारे और आपके खिलाफ कोई महिला जाके झूठी तहरीर भी देते तो पुलिस हेड ने अपना हमारा इंतजाम करके हमें जेल में भेजते। क्या मजबूरी है? बड़ी शर्म की बात है, बड़ा सोचना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में एक राष्ट्रीय लोकदल परिवार ऐसा है कि जिसका ना तो आज तक कोई सीबीआई, ना कोई ईडी और ना कोई सरकारी संस्था जिसका कोई कुछ भी बात नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ईमानदार परिवार अगर कोई है वो तो चौधरी चरण सिंह का परिवार है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का भी बहुत